हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 26 मार्च 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज के हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंबर ऑफ G7। G7 कंट्रीज में कौन से इनका मेंबर नहीं है? तो देखो, आपको बता, जैसा मैंने आपको पहले एक आर्टिकल में डिस्कस भी किया था कि पहले ये जो G7 का ग्रुप है G8 के नाम से था, फिर इसमें एक रशिया कंट्री भी इंक्लूड थी, उसको बाद में हटा दिया गया था। तो जी अभी जो G7 में कौन कौन से कंट्रीज है वो पता होना चाहिए। एक तो है कनाडा, एक है USA, और अगर बात करें यूरोप की तो यहाँ पे UK हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया। तो कितने हो गए टोटल? यहाँ पे 4 ये हो गए, 2 6 हो गए, और एक है जापान। पहले रशिया भी था तो उसको मिला के 8 थी। ये वो कंट्री है जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज है। अब देखो, यहाँ पे पूछा गया कौन सा में इसका मेंबर नहीं है। तो देखो, ना तो ऑस्ट्रेलिया मेंबर है, ना ही चाइना मेंबर है, ना ही रशिया इसका मेंबर है, और ये ध्यान में हमें रखना है। तो इसका मतलब जगह 1, 2, 3 है वो इसके मेंबर नहीं है। तो सही क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये है, देखो एक्चुअली कि हाँ कि ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है ना, उसके द्वारा भी एक 2 दिन की वर्कशॉप आयोजित की गई थी ग्रे वाटर को लेके। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया भाई ग्रे वाटर वो कौन सा पानी होता है। सीधी सी बात ये है, हमें पूछा गया ग्रे वाटर के बारे में। बाकी देखो, ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है इसलिए कि जो ग्रे वाटर है रूरल एरिया के अंदर उसको साफ मतलब करना है, और ये IIT मद्रास के द्वारा और यूनिसेफ इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो UPSC इसमें ये भी पूछ सकती है कि किसके द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो IIT मद्रास और यूनिसेफ, इन दोनों के द्वारा कोलोरेशन से ग्रे वाटर को साफ करने के लिए स्टार्ट किया गया है। देखो, ग्रे वाटर का मतलब ये होता है वो वेस्ट पानी जो बाथरूम वगैरह से निकलता है, लॉन्ड्री या फिर किचन का जो वेस्टेज पानी होता है, इसको ग्रे वाटर के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निक्षय पोषण योजना को लेके। पहला स्टेटमेंट ये था कि यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत है। सेकंड है कि ओनली TB पेशेंट को इसका बेनिफिट है वो मिलेगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो इसको लॉन्च कर रही है। देखो, यहाँ पे तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा D 1 2 3, तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डक्कम पोर्ट को लेके। डक्कम पोर्ट न्यूज में था, कहाँ पे है? देखो, डक्कम पोर्ट है वो आपको बता दूं, ये है अरेबियन सी में। ये आपको ध्यान में रखना, अरब सागर है वहां पे डक्कम पोर्ट की लोकेशन है। कौन सी कंट्री में है? ओमान में। ये आपको ध्यान में रखना, अभी न्यूज में था तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है GRAPS 3 माउंट टेलीस्कोप। देखो, GRAPS 3 माउंट जो टेलीस्कोप है ना, ये आपको ध्यान रखना है इंडिया का ही है, जो तमिलनाडु के अंतर्गत है। तमिलनाडु में कोटी नाम की जगह है, वहां पे इसको स्थापित है। वो क्या गया? तो ये मुझे ग्रेप्स है कहाँ, एक टेलीस्कोप है इंडिया के अंदर तमिलनाडु में ओटी नाम की जिले में। अब आज का जो पहला आर्टिकल है वो है ट्राइबल पेंटिंग्स को लेके। देखो, ट्राइबल पेंटिंग को लेकर कंटेक्स्ट यह है कि 3 पेंटिंग है तेलंगाना की। तो UPSC इन ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है, पेंटिंग पे भी। तो वहां की 3 ट्राइब्स की पेंटिंग कौन कौन सी 3 ट्राइब है? एक ट्राइब तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गोंड। गोंड ट्राइब कहाँ की है? तेलंगाना की। दूसरा है कोया ट्राइब, और तीसरा है यहाँ पे नेकपॉट ट्राइब। ये 3 कम्युनिटी हैं, इन तीनों की पेंटिंग है। उसको अभी एक्चुअली अमेजोन है, जो आपको पता है एक ऑनलाइन वेबसाइट है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, वहां पे इसकी पेंटिंग को एक तरीके से मतलब हम बोल सकते हैं कि अपडेट है वो किया गया है। तो हमें ट्राइब्स के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन सी है, गोंड, कोया और नेकपोट जो ट्राइब है ये है कहाँ की? तेलंगाना की है। तो ये फैक्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, जो आर्टिकल है वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसका, देखो मोटो ये रखा गया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंतर्गत जो ऐसी कंट्रीज हैं जो भूखमरी से पीड़ित हैं, कुपोषण से पीड़ित हैं, उनको इरेडिकेट करना है, उनको भूखमरी को खत्म करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो स्टार्ट है। वो क्या गया है? मतलब एक तरीके से यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसका मोटो क्या है? फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना और भूखमरी से एड्रेस करना है, भूखमरी को निपटने के लिए। तो इसका मोटो क्या है? एक तो हंगर भूखमरी को मिटाना है, इसके साथ ही माल न्यूट्रिशन जो कुपोषण की समस्या होती है उसको मिटाना है, क्योंकि आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट भी रखे गए हैं। अब देखो, ये ध्यान रखना है, अभी कंटेक्स्ट वैसे ये आया था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ना, इसके तहत जापान ने काफी बड़ी फंडिंग है वो प्रोवाइड करवाई है। तो कंटेक्स्ट कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में जो मतलब इनको पैसे की जरूरत होती है अनाज वगैरह के लिए, वो सारी कंट्रीज हैं वो वॉलंटरी तौर पर डोनेशन देती हैं। ऐसा नहीं कि भाई हर कंट्री को फिक्स है कि आपको इतने पैसे देने ही होंगे। कोई भी कंट्री है वो वॉलंटरी तौर पे अपना डोनेशन है, जो गवर्नमेंट भी दे सकती है,
कोई कॉरपोरेशन भी दे सकती है, फिर कोई प्राइवेट डोनर भी हो सकता है, मतलब कोई भी पर्सन भी इवन यहाँ पे डोनेट है वो कर सकता है। फिर उस पैसे का प्रोग्राम ऑल ओवर वर्ल्ड में भूख से निपटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, ये हमारे देश के जो 17 बॉर्डर वाले स्टेट है ना, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर को टच कर रहा है ना, उन 17 स्टेट के अंतर्गत जो काफी ऐसे पिछड़े हुए एरिया है उनका डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए यह प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या होगा, स्पेशल डेवलपमेंट सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा रिमोट और दूर दराज के ऐसे एरिया में जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है या पे जहाँ पे काफी दुर्गम मार्ग है, उन एरिया में भी डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है स्टार्ट किया गया है, ये हमें ध्यान में रखना है। और एक इसमें ध्यान रखना है, सेंटर स्टेट और जो लोकल स्कीम है उन सब की हेल्प से फोकस है वो किया जाएगा, जैसे कि सेंट्रल लेवल लेवल पे पैसा प्रोवाइड कराया जा रहा है, फिर स्टेट लेवल के अंदर जो छोटे छोटे एरियाज हैं लोकल स्कीम्स हैं उनकी हेल्प से इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट या अमली जामा पहना जाएगा। इंपॉर्टेंट बात की पैसा कहाँ से आता है, सारा का सारा पैसा 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वो ध्यान रखना जो पैसा दिया जाता है इस स्कीम के लिए वो नॉन लेप्सेबल होता है। देखो होता क्या नॉर्मली, जैसे कि इस बार बजट में गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए मान लो कोई भी नॉर्मल स्केल है इसके लिए 1000 करोड़ रुपए दिए हैं, अगर वो 1000 करोड़ रुपए में से 900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं तो जो 100 करोड़ रुपए बचे हैं वो अगले साल बजट में लैप्स हो जाते हैं, मतलब वो जो ही नया बजट आया तो जो पुराने वाले पैसे हैं वो खत्म हो गए, वो वापस जीरो हो जाते हैं, फिर वापस नए साल के लिए पैसे मिलते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, इस बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में है कि भाई इस साल जैसे आपने पैसे खर्च किए और कुछ आपके पास बजट रह गया तो वो बजट नेक्स्ट साल जो आपको और पैसे मिलेंगे उनमें ऐड हो जाएगा, तो मतलब नॉन लैप्सेबल है, सेंट्रल असिस्टेंस इसमें दी जाती है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये एक्चुअली गिल्ट फंड को लेके हैं। तो गिल्ट फंड होता क्या है वो हमें पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले हम समझते हैं म्यूचुअल फंड, आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, क्या होता है फंड का मतलब, क्या होता है फंड का मतलब, क्या होता है दो तीन या कितने भी आदमी या ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं वो आपस में ग्रुप बना के एक जगह फंडिंग है, मतलब उसको एक पैसे उसको इकट्ठा कर रहे हैं, वो हो गया एक तरीके से ग्रुप फंडिंग होगी मोटे तौर पर हम बात करें। अब देखो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं मेनली कि बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर म्यूचुअल फंड जो एक तरह से कंपनी होगी या जो भी संस्था है ये क्या करेगी, ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगी जहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। अब देखो आप जैसे एक एग्जांपल ले लो, जाए आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि मान लो कि कोई भी 400 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, एग्जांपल मान के चलो कि भाई वहाँ पे हमें 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अब आपको पता है कि इंडिविजुअल आदमी के पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि भाई 400 करोड़ इकट्ठे किए जा सकें, इसलिए क्या करते हैं बहुत सारे मतलब म्यूचुअल कंपनी बन जाती है, म्यूचुअल फंड बन जाते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोग 100, 500, 1000, 2000, 5000 इस तरह से पैसे जमा करवाएंगे और जो 400 करोड़ हो जाएंगे इनको फिर ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाएगा इस पैसे प्रोजेक्ट में जहाँ से इनको अच्छा खासा रिटर्न हो सके और फिर उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट है वो कर लिया जाएगा, ये होता है म्यूचुअल फंड। अब देखो जो गिल्ट म्यूचुअल फंड होते हैं ना, फिर जो गिल्ट फंड वो फंड होते हैं या वो योजनाएं होती हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना, नियम सरकारी प्रतिभूति कहते हैं, उन्हें इन्वेस्ट करती हैं। जैसे एग्जाम्पल है मान लो कि मैंने एक म्यूचुअल फंड ओपन किया है ए नाम से, ये म्यूचुअल फंड क्या करेगा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदने में अगर मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, देखो आपको पता है गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा सेफ्टी होती है कि गवर्नमेंट पैसे खा के नहीं भागेगी, इसका मतलब मेरे को जो प्रॉफिट है वो श्योर है कि हाँ भाई मेरे को तो प्रॉफिट मिलने वाला है कि गवर्नमेंट धांधलेबाजी नहीं करे, मतलब गवर्नमेंट मेरे पैसे नहीं खाएगी, तो जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो इसमें मैं सिक्योर हो जाता हूँ। तो ये ना जो गिल्ट म्यूचुअल फंड होता है इसका मतलब ये है कि जो रिजर्व बैंक के द्वारा जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी दी जाती है उनके अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उस पैसे को कहते हैं आपके गिल्ट फंड के तौर पर, तो यह ध्यान में, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अब बात क्या है ऐसी, ये दो तरह के होते हैं, इनमें रिस्क बहुत कम होता है, यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है कि गिल्ट फंड होते हैं इनमें रिस्क ज्यादा होता है, नहीं भाई बहुत कम होता है, क्यों, कि गवर्नमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम सिक्योर हैं, जिस तरीके से देखो लोग गवर्नमेंट बैंक में पैसे जमा कराने पे सेफ फील करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अगर बैंक डूब भी गया तो भी गवर्नमेंट हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारी सहायता है वो करेगी, तो वही बात है कि गिल्ट फंड वो होता है जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जिस फंड का, वो होता है गिल्ट फंड। अब ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड और एक हो गया लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड। शॉर्ट टर्म का म्यूचुअल फंड का मतलब यह है कि जो 15 से 18 महीने के अंदर मतलब पक तैयार हो जाता है फिर मेच्योर हो जाता है, जिसकी मेच्योर टाइम पीरियड है वो 15 से 18 महीने होती है। और लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि जो 5 से 30 साल तक मेच्योर है वो होता है, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म। तो ये गिल्ट फंड म्यूचुअल फंड के बारे में हमने जो डिस्कशन थी वो यहाँ पे कंप्लीट की। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फिनटेक के बारे में, फिनटेक या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है क्या। देखो ये फिनटेक का आप नाम से समझिए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी मतलब जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं नॉर्मली फिनटेक।
अब देखो कंटेक्स्ट तो ऐसे ही आया था कि अभी नीति आयोग के द्वारा कल ही यानी कि 25 मार्च 2019 को एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक जो कॉन्क्लेव है वो आयोजित किया गया था, उसी को लेकर न्यूज है, वो मेनली आई थी कहाँ पे, ये क्या गया था डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। इसका मोटो ये था कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हमें टेक्नोलॉजी है ना इसका अच्छे से यूज है वो करना है, जिसके से वो भीम ऐप है, इंटरनेट बैंकिंग है, ये सारी ही फिनटेक की एग्जाम्पल है, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है वही फिनटेक होती है। अब उसका आप कैसे भी यूज कर सकते हो, चाहे एटीएम कार्ड की जो टेक्नोलॉजी मान लो, या फिर हम जिसके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो हो गया, या फिर नेट बैंकिंग के अलावा मोबाइल बैंकिंग हो गई, वो सारी चीजें फिनटेक का ही एग्जाम्पल है, भीम यूपीआई जैसी सारी चीजें। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है वर्चुअल सिम को लेके। वर्चुअल सिम का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, मतलब सिम है वो फिजिकली नहीं होते, केवल नॉर्मली एक तरीके से अज्यूम हो किया जाता है। कंटेक्स्ट ये आया था कि अभी जो जम्मू एंड कश्मीर में जो टेरर अटैक हुआ था इसमें एक्चुअली वर्चुअल सिम कार्ड का यूज है वो किया गया था। अब वर्चुअल सिम होती है, देखो इसमें रियल लाइफ में कोई मतलब रियल अगर रूप में हम बात करें तो कोई सिम कार्ड नहीं होती, केवल इंटरनेट से एक आर्टिफिशियल नंबर है वो जनरेट किया जाता है और फिर उस नंबर का यूज है वो कॉल वगैरह करने में नॉर्मली है वो किया जाता है। अब आपको बताऊं अगर सीधी सी लैंग्वेज में तो होता है क्या कि एक मोबाइल में हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि सिम प्रोवाइड करवा रही है वर्चुअल, वो हमें एक नंबर दे देगी और उस नंबर को हमें इस मोबाइल के जो एप्लीकेशन में है वो डालना होगा। इसके बाद में क्या है कि मोबाइल से हम कॉल वगैरह वो कुछ भी कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट की हेल्प से। तो मेनली इसका जो यूज है वो सिम की जो आइडेंटिटी है, फिर जो भी पर्सन कॉल कर रहा है इसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए है वो किया जाता है। ये ध्यान रखना इसमें एप्लीकेशन की हेल्प से सारे काम है वो किया जा रहे हैं, इंटरनेट की जरूरत नहीं होती कि भाई इंटरनेट होगा तभी काम चलेगा। ये जो एप्लीकेशन है हम मोबाइल टेबलेट हुआ स्मार्टफोन हुआ कंप्यूटर कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर हम उसका कॉल या कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए यूज है वो कर सकते हैं। इसको ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है, ये ध्यान में इसका इफेक्ट है वो ध्यान में रखना है। नॉर्मली अलग अलग कंट्रीज से कहीं से भी वर्चुअल नंबर जनरेट करके फिर कॉल वगैरह किया जाता है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।